जिंदगी साइड ए से साइड बी की तरफ घूमती गानों की रील की तरह ही तो है। कभी कोई गाना इतना पसंद है कि खत्म होने से डर लगता है, कभी कोई गाना पूरे दिन होठों से जाने का नाम नहीं लेता, और कभी कोई गाने की सिर्फ धुन याद रह जाती है। तो अभी हमें उस लोकेशन में जानी है, जस्ट वो आप देख सकते हैं, ये मांगलेश्वर महादेव टेंपल जो है इसी चोटी पर है। ऊपर ये ऐसी लोकेशन पे आ गए हैं अभी हम कि दूर दूर तक एक बंदा भी नहीं दिख रहा है। मतलब कोई प्लेस ऐसी होती है जहाँ पे लोग दिखते हैं, आते जाते हैं, लेकिन ये ऐसी प्लेस है यहाँ पे दूर दूर तक कोई नहीं है। डर भी लग रहा है लेकिन ठीक है, एडवेंचर करने का मजा ही कुछ और है। मतलब लोकेशन अच्छी है, जैसे गूगल रिव्यूज़ पे मैंने देखा था, गूगल फोटो से पढ़ा था, लोकेशन अच्छी थी, व्यू अच्छा था, तो बस वही सब देख के मैं यहाँ पे आया और अपने दोस्तों को भी ले आया साथ में। आप देखें यहाँ का व्यू, ये देख सकते हैं आप, उस चोटी पर हमें जाना है और यहाँ दूर दूर तक कुछ नहीं है, सब सुनसान, बस हम छे, यही हम छे हैं बस। गाइस पूरी तरह से थक चुके हैं यार, पूरी तरह से, मतलब इतना भी पानी का कतरा नहीं बचा है। और यहाँ पहाड़ी में आपको ये ट्रैक पीछे दिख रहा है, कुछ मिल भी नहीं सकता, बॉटल खाली हो चुकी है। आप पीछे का व्यू देखिए, है बहुत अच्छा अच्छा नज़ारा, हवा अच्छी लग रही है, हवा अच्छी लग रही है, बस हवा के सहारे समझ लो हम लोग जी रहे हैं, क्योंकि कुछ खाएंगे तो प्यास लगेगी और पीने के लिए पानी है नहीं। तो कभी अगर इस पहाड़ी पर आए, मांगलेश्वर महादेव टेम्पल जो कि उत्तर प्रदेश के सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में है, तो पानी की कमी ना हो अपने पाए, पानी ज़रूर लेके आइएगा। आइए दिखाते हैं पीछे का व्यू आपको। ऐसे आज आते हैं और कचरा कर जाते हैं, तो इन्हीं कचरे के कारण ही कभी ना कभी आपदा आती है, वाटर फ्लड वगैरह आ जाता है। तो ऐसा कुछ ना करिए, और ये वहाँ से ऐसे करके ऐसे ऐसे ये ट्रैक से आ रहे हैं अभी, और करीब करीब 5 किलोमीटर चल चुके हैं। आप देख सकते हैं व्यू यहाँ का, वो रोड है सामने, तुम आगे बढ़ जाओ। तो गाइज अभी कैसे भी अपना होते करते मैंने यहाँ का ट्रिप कंप्लीट किया, और अभी जाकर मेरी फियर जो है वो ख़त्म हुई। और यह है हमारे मांगलेश्वर महादेव मंदिर, जो कि इन्हीं की वजह से हम यहाँ पर आए थे, और इसके अंदर फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं है, तो हम आपको दिखा नहीं पाए। बाकी ये था यहाँ का पूरा लोकेशन, आइए आपको दिखाते हैं थोड़ा सा और व्यू। ये व्यू आप देख सकते हैं, दूर दूर तक सिर्फ खाई दिख रही है, और हम जहाँ पे अपना फ़ोटो क्लिक कराए हैं उसकी तो बात ही कुछ अलग थी। पैर मेरे कांप रहे थे पूरी तरह से। सो गाइस हालत आप देख सकते हैं कैसी हो गई है। वो बात है ना कि सक्सेस यू सी द स्ट्रगल यू डोंट, तो बस वही बात है कि कैसे हम लोग कैसे पहुँचे यहाँ पे और क्या स्ट्रगल किए, कितना फियर था मेरे मन में और हमारे दोस्तों के मन में, वो हम ही लोग जानते हैं कि कैसा क्या चढ़ाई था। तो ठीक है, अभी पहुँच चुके हैं इस लोकेशन पे, इस लोकेशन का हम आपको दिखाते हैं, और हालत पूरी डाउन हो चुकी है। अभी देख सकते हैं कैसे बैठे हुए हैं हम, ऐसे ये पन्नी एक पॉलीथीन लिया है पहाड़ी पर, और चारों तरफ पहाड़ी है। यहाँ पीछे का अगर व्यू आपको दिखाएं तो कुछ ऐसा है, नीचे खाई है ऐसे बहुत ज़्यादा, हम आपको अभी दिखाते हैं, जस्ट लेट्स सी। और
यहाँ खाने का चार्ज और पानी, ये बॉटल जो मैंने खरीदी है, ऐसी बॉटलें जो है 25 का मिल रहा है, 20 इसका MRP होता है। हाँ तो वो भी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग पे कर रहे हैं। और 3 समोसे 20 रुपये के मिल रहे हैं, तो खाना तो लाया नहीं था, तो क्या हुआ, समोसे खा के यहाँ पे काम चलाना पड़ रहा है, कुरकुरे चिप्स यही सब चीज़ें। तो ऐसे ही अगर कभी ट्रैक करें तो बिना मतलब जानकारी के या फिर बिना कुछ जाने ऐसे ही ट्रैक ना करना, स्टार्ट कर दें। और तो जैसे कि आते टाइम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था, बहुत ज़्यादा डर था, लेकिन अभी इस टाइम थोड़ा सा भी फियर नहीं है, उतरने में ठीक है, क्योंकि उस टाइम एनर्जी नहीं थी, पानी नहीं था, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, लेकिन अभी ठीक है, अभी हम कंफर्टेबल हैं। बाकी के 3 वहाँ जा रहे हैं, मुझसे काफ़ी आगे हो चुके हैं, तो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं रिटर्न का ट्रैक क्या, कैसे इजिली हम लोग। आज चढ़ने में मुझे 2.5 से 3 घंटे लगे थे, लेकिन उतरने में मैक्सिमम 1 घंटे। तो लेट्स गो। जो ट्रैक था आप देख सकते हैं कितना खड़ा है, और सामने खाई, ये बहुत ही ज़्यादा डेंजर था हम लोग जब चढ़ रहे थे। अभी तो ठीक है, काफ़ी ठीक है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी मतलब कंफर्टेबल है, एनर्जेटिक, और उतना ही प्रॉब्लम नहीं करता ये। तो अब तक के ट्रैक में सबसे ज़्यादा खतरनाक ट्रैक जो था ये यही था, ये लोकेशन यहाँ और ये वाला। भैया भी बता रहे हैं ये लोग कि हाँ भाई यही सबसे खतरनाक होता है, बाकी सब नॉर्मल है, ठीक है। तो ये देख सकते हो व्यू यहाँ का आप कैसा है। तो ये ट्रैक हम कंप्लीट करते हैं, उसके बाद आपको मिलते हैं नीचे, चले चलते हैं। या देख लीजिए, इसी ट्रैक पर साइकिल से जाते हुए हैं, जो ट्रैक वहाँ पर सबसे खतरनाक था, ये रास्ते मिले बता रहे हैं कि ये साइकिल के साथ चढ़ जाते हैं। भैया चढ़ जाते हैं आप? तो मतलब वहाँ पे कैसे मैनेज करते हैं साइकिल? टांगेंगे तो जैसे भैया बता रहे हैं, साइकिल कंधे पे रखते हैं उस ट्रैक पर जहाँ पर सबसे खतरनाक है लोकेशन, ऊपर वहाँ पर, और वहाँ के बाद परे चढ़ जाते हैं साइकिल लेकर। ठीक है भैया, ऑल द बेस्ट। तो गाइस, आफ्टर ऑल जो बंदे को हम यहाँ पे छोड़ गए थे, अपना हाथी, वो यहाँ पे हम लोगों को मिल चुका है। ये भाई क्या किए 3 घंटे भाई, कुछ नहीं, इसकी हालत डाउन हो गई पूरी तरह से, पानी पिलाओ इसको, फिर से पानी। तो यही बंदा था जो कि ऊपर नहीं चढ़ पाया था और चढ़ भी ना पाता, इसलिए हम लोगों ने मना कर दिया था। तो बाद में पानी, समोसा और ऐसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह इसको भेज दिया गया वहाँ ऊपर से, तो इसका दिमाग खराब हो गया था। और ये कितने घंटे तुम यहाँ रहे? 3 घंटा कंटिन्यू यहाँ पे रहा ये। तो अभी यहाँ के बाद हम सीधा नीचे ऑटो में मिलेंगे, चलिए चलते हैं।